हरियाणा के नूह में खनन माफियाओं ने अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने गए डीएसपी की जान ली। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अवैध खनन की शिकायत पर उसे रोकने के लिए पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पत्थर लगे डंपर को रोकने का प्रयास किया, माफियाओं ने उन्हें डंपर से कुचल दिया। मौके पर ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की मौत हो गई और इस वारदात की खबर लगते ही नूह एसपी और आईजी मौके पर पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीजीपी और नूह एसपी से घटना पर पूरी जानकारी ली। हरियाणा के डीजीपी नूह के लिए रवाना हो गए और जल्द ही वारदात वाली जगह पर वो पहुंच जाएंगे। ये बेहद गंभीर खबर है। माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो न सिर्फ पुलिस कर्मियों पर हमला करते हैं बल्कि उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचल दिया, डंपर से कुचल दिया और वहीं पर मौके पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की मौत हो गई। उनका शव वहां पर बरामद हुआ। हालांकि पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है लेकिन अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। वो ड्राइवर कहां है जिसने डंपर से डीएसपी साहब को कुचला? वो लोग कहां हैं जो खनन कर रहे थे? वो माफिया, वो सरगना कहां हैं जो ये खनन करवा रहे थे, जिनके इशारे पर यह अवैध खनन चला करता है और जिसे रोकने, अपनी जिम्मेदारी निभाने, अपनी ड्यूटी करने वहां पर पहुंचे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, उन पर डंपर चढ़ा दिया जाता है। ये सब कुछ हुआ है हरियाणा के मेवात के नूह में। नूह में अवैध खनन चल रहा था और वहां पर डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें मार डाला गया, बेदर्दी से उन पर डंपर चढ़ा दिया गया। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी निभा रहे थे और जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने उस डंपर को रोकने की कोशिश की तो ये हरकत की गई। हालांकि हरियाणा सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री खट्टर खुद नूह के एसपी के साथ पूरी जानकारी लेकर अभी भी वो संपर्क में हैं। हरियाणा के डीजीपी मौका वारदात के लिए निकल चुके हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज इस घटना पर दुख व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं? नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद डरा देने वाली तस्वीर है और तस्वीर इसलिए क्योंकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगर हत्या कर दी जाती है, अपराधियों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं होता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे हमारी संवाददाता हिमांशु के पास लिए चलते हैं जो घटना स्थल पर मौत चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा सरकार की इस वक्त हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरा चारों तरफ से हम किसी को बख्शेंगे। डीजीपी साहब वहां से नजदीक ही हैं, वो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। नहीं, वो सारी स्थिति की हम जानकारी ले रहे हैं, वो जल्दी जानकारी। लगता नहीं कि यूपी की तरह यहाँ भी थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है हरियाणा में? नहीं, आपने बुलडोजर पहले भी की कार्यवाही करी और काफी वहाँ पे जो इसके बाद यहाँ मीडिया पे काफी लोग हैं, आहत हैं इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि अब हरियाणा में भी वक्त आ गया है कि जैसे योगी का बुलडोजर चलता है अपराधियों पर, वैसे यहाँ पर भी नकेल कसी जाए, सख्ती और की। नहीं, बिल्कुल हमने सख्ती कर रखी है और सख्ती करेंगे। परिवार को किस तरह से सरकार कंपनसेट करेगी, क्योंकि एक अभी नहीं, परिवार को तो जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत ही, एक तो जिस बैंक से पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया इसको मिलेगा। हाँ, सूचना मिली होगी, अभी पूरी जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं। पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। कौन थे यहाँ पे, कुछ पता लगा कौन लोग थे? ये तो पकड़ रहे हैं, तो ठीक है, चलो जी।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। आइए सीधे हम आपको घटनास्थल पर इस वक्त लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा वहां पर पहुंच चुके हैं। हिमांशु, क्या स्थिति अभी वहां पर है, किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है? वो अपराधी जिन्होंने डीएसपी साहब को कुचल दिया, कोई गिरफ्तारी, कोई अभी तक कार्रवाई, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक उसी जगह के पास जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और जहां पर यह हुआ है। हम आपको चारों तरफ सही दिखाते हैं। ये आप देखिए, चारों तरफ किस तरीके की पहाड़ियां यहां पर बनी हुई हैं और बीच में यहां पर खेत है। यहां से हम आपको ऊपर की तरफ दिखाते हैं जहां पर आपको लोग नजर आएंगे और वहां पर आप देखेंगे वहीं पर खनन की जानकारी मिली हुई थी। और उसके बाद जब यहां पर डिप्टी एसपी पहुंचते हैं 11:30 बजे के आसपास की ये बात थी, 11:30 बजे जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से खनन हो रहा है। तो जो रास्ता, चूंकि इस जगह जहां पे हम पहुंचे, देखिए काफी देर से हम यहाँ पर पैदल चलते हुए जी। चारों तरफ आपको खेत नजर आएंगे और यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं जब वहां पर, तो उन्होंने जो एकमात्र रास्ता था उसको गाड़ी से ब्लॉक करने की कोशिश की और उसके बाद डिप्टी एसपी वो गाड़ी से उतरते हैं और वो जैसे ही आगे जाते हैं तो जो ट्रक वहां पर था, जो डंपर जिसमें कि अवैध खनन के बाद सारा सामान वहां से ढो करके ले जाया जाना होता था, वो जो डंपर है वो एकदम से तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और एकदम से उनको अपने टायरों के नीचे लेता है, उनको कुचलता है और फिर जो पत्थर उस डंपर के नीचे अंदर भरे हुए थे, जो अवैध खनन भरा हुआ था, वो रास्ते में ताकि जो पुलिस की गाड़ी है वो पीछा ना कर सके, इसलिए वो पूरा का पूरा जो डंपर है वो रास्ते में पूरा पत्थर बड़े बड़े गिराता हुआ वो वहां से भाग निकलता है। अब दबिश दी जा रही है, लेकिन ये इलाका आप समझिए, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियां, रास्ते ऐसे कि हमारी गाड़ी भी यहां तक नहीं आ पाई, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए या किसी भी प्रशासन के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जहां पर ये पूरा काम चल रहा था सही, ये ऐसा नहीं है कि नया था, तो आखिर प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी? अगर यहां से पत्थर तोड़े जाते हैं, डंफर में भर के वो जाते तो सड़क से ही है, सड़क पर जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगाती है, तो क्या उस वक्त ही इन्वेस्टिगेशन या उस वक्त पूछताछ नहीं होती कि जिससे इसके बारे में पता चल सके? लेकिन बहरहाल फिलहाल जो पुलिस की पहली कोशिश है वो ये कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने मौके का जायजा लिया है और इसके बाद अब तमाम जो आसपास गांव के लोग हैं उनसे ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग हो सकते हैं। अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज है तो सीसीटीवी फुटेज को पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है। तमाम जो केएमपी पास में केएमपी एक्सप्रेसवे है, क्या उधर से ट्रक गया, क्या उस तरीके के, चूंकि उनकी टीम भी डिप्टी एसपी की टीम भी साथ में थी तो उन्होंने क्या ट्रक का नंबर नोट किया, कई सारी चीजें हैं जिनकी जानकारी पुलिस फिलहाल इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जाए। बिल्कुल सही। हिमांशु, आपने एक बात और अपनी इस रिपोर्टिंग में कही है कि ऐसा नहीं कि पहली बार यहां पर यह हो रहा था, लेकिन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस तरह से मार डालना, ये क्या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सरकार के रवैये पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इस तरह की घटना करने की हिम्मत रखते हैं? ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है किसी की? हिमांशु, बिल्कुल जाहिर सी बात पे कहा यह जाता है कि अगर पुलिस का एक सिपाही भी कहीं स्पॉट पे बात के लिए जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं, डीजीपी साहब से मैंने बात की है, तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा, एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम शहीद का दर्जा देंगे,
डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया। हिमांशु, क्या इन खनन माफियाओं में पुलिस प्रशासन सरकार का कोई डर खौफ नहीं है? देखिए, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से जब यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है तो उनको अपने चपेट में ले, उनके ट्रक के नीचे, और ये पूरा जानबूझकर किया गया। ये अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और उसके बाद वो यहां से भाग निकलता है और आप देखिए किस तरीके से वो तैयारी करता है कि भागते वक्त वो जो पत्थर उसकी गाड़ियों में भरे हुए थे वो मौके पे गिरा देता है और उसके बाद वहां से भागता है। तो यहां पर अब चुनौती है पुलिस के पास कि वो किस तरीके से न सिर्फ इन अपराधियों को पकड़े बल्कि साथ ही साथ जो लंबे समय से यहां पर इस इलाकों में या कहीं भी खनन का काम चल रहा है वो रोका जा सके। आप ये देखिए, ये तमाम जो पत्थर है आप ये देखिए। अच्छा हिमांशु, एक बात और बताइए आप हमें। हिमांशु, एक प्रश्न यहां पर और ये आ रहा है कि डीएसपी लेवल का वरिष्ठ अधिकारी ऐसे सुनसान जंगल में अकेले कैसे चले गए सुरेंद्र सिंह बिश्नोई? ये इसको क्या हम इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इस एंगल पर बात कर सकते हैं आपसे हिमांशु? देखिए, अभी तक जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जब हमने उनसे पूछा कि सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के साथ क्या उनकी टीम थी, तो हाँ, ये अभी उनका कहना है कि उनकी टीम यहाँ पर साथ में थी। लेकिन क्या वो रेड करने के इरादे से आए थे? अगर रेड करने के इरादे से आए थे तो लोकल थाने की कितनी पुलिस उनके पास थी, क्या लोकल SHO भी साथ में था, ये चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में जब आगे पूरी जांच बढ़ेगी तब आएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए जिस जगह पर ये है पूरा, ये देखिए एकमात्र सड़क आपको सही ये नजर आएगी जहां से गाड़ी यहां आ सकती है, और जब वो ट्रक भागता है तो ये देखिए अगर कोई गाड़ी अंदर आ गई तो वो यहां से आगे भाग भी नहीं सकेगा। तो इस तरीके की पूरी प्लानिंग, यानी वो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करके रखते होंगे कि अगर अचानक से कभी रेड होती है या कुछ होता है तो किस तरीके से उन्हें यहां से भागना है। अब यहां की अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है हिमांशु, देखिए हिमांशु, हम दोबारा आपके पास आते हैं। आप बने हुए हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। विज साहब, जिस तरीके से ये डीएसपी की हत्या सरेआम दिन में की गई है, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था हरियाणा से खत्म हो चुकी है। नहीं नहीं, पूरी तरह से हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने DGP को बोला है कि सारी पुलिस भी अगर लगानी पड़े तो लगाओ, ये पुलिस के ऊपर हमला है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसपास के जिलों की भी अगर सारी पुलिस लाके लगानी पड़े तो लगाई जाए। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि माइनिंग खुलेआम चल रही है और हमने सदन में भी मुद्दा उठाया था, खासकर भूपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा है। नहीं, माइनिंग के बारे में तो शायद मैं विस्तार से ना बता सकूं क्योंकि वो अलग विभाग है, उसके अलग मंत्री हैं। लेकिन माइनिंग वाले हमें जहां जहां बुलाते हैं हम पुलिस देते हैं और हमारी पुलिस जाती है। और आइए अब रुख अगली खबर का करते हैं। पटना में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद से लगातार साजिशों का सच सामने आ रहा है। नई जानकारी सामने आई कि PFI बिहार के अलग अलग जिलों में सेंटर्स बनाकर अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। बड़ी साजिश को अंजाम दिए जाने से पहले ही पटना पुलिस ने उसे बेनकाब कर दिया। उस साजिश के जाल में कैसे युवकों को बरगलाकर फंसाया जा रहा था, कैसे पूरे राज्य में अमन शांति के दुश्मन अपनी साजिशों से पैठ बनाने में जुटे थे, अब इस पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पटना के टेरर मॉड्यूल वाले दुश्मनों की साजिश का हिस्सा कौन कौन से चेहरे थे, पटना के फुलवारी शरीफ में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, कैसे वो बिहार को आतंकी अड्डा बनाने की तैयारियों में जुटे थे, ऐसे कई सवाल हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब तक ये सवाल अबूझ पहेली की तरह थे, क्योंकि पहले ना तो साजिश सामने आई थी और ना ही PFI के ये चेहरे जो RSS और सरकार के खिलाफ जहर उगल कर लोगों को भड़काने में जुटे थे, समाज को बांटने में जुटे थे।
आज जो हुकूमत यहाँ पर जिस तरीके से नंगा नाच कर रही है, फिस्ताई हुकूमत जो आरएसएस के इशारों पे काम कर रही है, हम तमाम मुसलमानों को और हिंदुस्तान के तमाम मजलूमीन तबका को एक साथ आकर खड़ा होने की ज़रूरत है। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया निशाना है, कल जिस तरह किसान को निशाना बनाएंगे, इसी तरह करके तमाम लोगों को जो उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, सबको एक एक करके निशाना बनाया जाएगा। आरएसएस के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले इस शख्स का नाम है सनाउल्लाह। ये अब पटना पुलिस की एफआईआर में मोस्ट वांटेड है। दरभंगा का रहने वाला सनाउल्लाह बिहार पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन अभी फरार है। फुलवारी शरीफ मामले में इसकी तलाश के लिए पुलिस दरभंगा में छापेमारी की है। एफआईआर में कुल 26 आरोपियों के नाम है, उनमें से 6 गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन सनाउल्लाह फरार है। दरभंगा का ही दूसरा आरोपी मुश्तकीम भी फरार है। 18 अन्य आरोपियों का भी सुराग नहीं। पुलिस लगातार दबिश डाल रही है कि साजिश रचने वालों को जल्द से जल्द दबोचा जाए। इसी के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में रविवार को प्रदर्शन किया। पीएफआई के झंडे लहराए और जमकर नारेबाजी की। पीएफआई का आरोप है कि पुलिस उनके लोगों को फर्जी इल्जाम लगाकर फंसाने में जुटी हुई है। पटना में अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ा है और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी करके हमारे पॉपुलर फ्रंट की जो स्टेट की टीम है, हमारे जो लीडर लोग हैं, 26 लोगों को उस अवैध कांड से जोड़ दिया गया है। अच्छा। और इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने की एक नापाक कोशिश जो है पुलिस कर रही है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं। पटना में खुलासे के बाद पीएफआई पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन हैं। आरोपों के मुताबिक 12 जुलाई को पीएम मोदी के कार्यक्रम के खिलाफ फुलवारी शरीफ में पीएफआई ने बड़ी साजिश रची थी। साथ ही भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। आप नई साजिश भी जान लीजिए। मामले में गिरफ्तार अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन ने पूछताछ में एसआईटी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। पता चला है कि पीएफआई ने बिहार के 15,000 से ज्यादा युवकों को अब तक शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग के लिए पीएफआई ने बिहार के 15 जिलों में अपने कैंप ऑफिस खोले थे। पीएफआई ने ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय पूर्णिया को बनाया था क्योंकि वहां सीमांचल से बड़ी संख्या में युवक आते थे। आरोपियों के बयान के मुताबिक ट्रेनिंग देने के लिए बेरोजगार और अनपढ़ युवकों को पीएफआई टारगेट करता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एसआईटी ने पूर्णिया में भी छापेमारी की है। वहां से एक रजिस्टर हाथ लगा है जिसमें ट्रेनिंग लेने वालों के नाम और नंबर मिले हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। आशंका है कि हवाला के जरिए पीएफआई को फंडिंग की जाती थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने संबंधी जो पेपर सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगे, उसी में तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को दोस्त भी बताया गया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि पीएफआई की फंडिंग कहां से की जा रही थी। पटना से ही दूसरे टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद गिरफ्तार ताहिर का कनेक्शन भी पीएफआई से है या नहीं, सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच में जुटी हैं। पटना से सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, दरभंगा आज तक। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रिहायशी इमारत में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां फंसे लोगों को रेस्क्यू में जुटी हैं। अब तक 12 लोगों को सुरक्षित यहां से बचा लिया गया है। ये 4 मंजिला इमारत है, कई निजी ऑफिसर्स यहां पर हैं। फिलहाल राहत का काम चल रहा है। भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और बिल्कुल दिल्ली की बॉर्डर पर मौजूद है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है और मेट्रो लाइन पास से गुजरती है। अशोक नगर, न्यू अशोक नगर इसे कहा जाता है। 4 मंजिला ये इमारत है जहां आग लग गई, लेकिन ये आग जिस फ्लोर पर लगी उससे ऊपर रहने वाले या काम कर रहे लोगों को तुरंत 12 लोगों को दमकल कर्मियों ने वहां से बाहर निकाल लिया है। अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि कुछ लोग ऊपर हैं या नहीं, लेकिन आग तेजी से फैलती इससे पहले लोगों को बचा लिया गया है। किसी बड़े हादसे के होने से पहले ही
दमकल विभाग के कर्मचारियों की मुस्तैदी से इस आग पर काबू भी पाया गया है। हालांकि अभी धुआं वहां से निकल रहा है, लेकिन अंदर जो आग लग रही थी, जो आग फैल रही थी, उस आग को बुझा लिया गया है और इमारत में फंसे कुछ और लोगों को निकालने की कोशिश भी हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग और इस इमारत में फंसे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने का काम इस समय दमकल के कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि मेन रोड पर ही इमारत होने के कारण दमकल की गाड़ियां तुरंत, जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, तुरंत वहां पर पहुंच गई। चार गाड़ियां पहुंची हैं जो आग बुझाने का काम कर रही हैं और वहां फंसे लोगों को बचाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। 12 ऐसे लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बिना किसी नुकसान के वहां से बचा लिया गया, बिल्डिंग से निकाल लिया गया, 12 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये रिहायशी इमारत है, लेकिन यहां लोग रहते भी हैं और ऑफिस भी चलते हैं, तो यानी कि ये मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला इलाका है जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज भी, गतिविधियां होती हैं और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ लोग यहां पर रहते भी हैं, रिहायशी इलाका भी है। फिलहाल ऐसी कोई बड़ी आग ये नहीं थी, लेकिन फिर भी खतरा इसलिए भी हो गया था क्योंकि इस इमारत में, चार मंजिला इमारत में कई सारे लोग फंसे हुए थे, जिन्हें अब 12 लोगों को बचा लिया गया। कुछ और लोगों को निकालने का प्रयास इस समय चल रहा है, आग बुझ चुकी है। सूरत में नूपुर शर्मा के समर्थन में एक व्यापारी ने पोस्ट डाली तो कुछ लोग उनकी जान के दुश्मन हो गए और जान से मारने की उन्हें धमकी दे डाली, और ऐसा ही किस्सा मध्य प्रदेश के सीहोर से भी सामने आया। हालांकि इस सिलसिले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, मामला कुछ और निकला। नूपुर शर्मा के मामले की आग गुजरात तक पहुंची। सूरत में एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी, मध्य प्रदेश से भी सामने आई धर्म के नाम की धमकी, सीहोर में एक लड़के को मिली जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने वालों को जान से मारने की धमकी अब भी जारी है। राजस्थान के उदयपुर से शुरू हुआ यह सिलसिला अब देश के कई राज्यों में फैलता दिखाई पड़ने लगा है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार का सीतामढ़ी और अब गुजरात का शहर सूरत। सूरत के उमरा इलाके में सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले एक नौजवान कारोबारी को जान से मारने की धमकी मिली है। उस कारोबारी को जिन लोगों ने धमकी दी उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनमें एक महिला समेत 3 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शहर में एम्यूजमेंट पार्क चलाने वाले एक कारोबारी ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की एक तस्वीर पार्क के इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड की गई थी। उसके बाद से ही उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। एक के बाद एक 7 लोगों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी है। पहले तो धमकियों को उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब धमकियां जारी रही उन्होंने थाने से संपर्क किया। कंप्लेनेंट है, उसने एक अपना जो बिजनेस अकाउंट था उसमें नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट किया था। वो पोस्ट करने के बाद जो है उसको अलग अलग उसी पोस्ट पे जो कमेंट्स और थ्रेटनिंग मैसेजेस आए थे, वो मैसेजेस जो है ये जब उसको आए तो उसके बाद जो है पुलिस में उसने कंप्लेन दिया था। उस कंप्लेन के आधार पे पुलिस ने जो तपास इन्वेस्टिगेशन किया, उस इन्वेस्टिगेशन में जो अलग अलग इंस्टाग्राम आईडीज वगैरह से जो है मैसेजेस हुए थे, उस आईडीज के आइडेंटिफिकेशन में जो है टोटल 3 लोग उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, जो तीनों लोगों पे पुलिस ने ऑफेंस रजिस्टर किया है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस मामले में मोहम्मद अयान, आतिशबाजी वाला, राशिद भूरा और आलिया मोहम्मद नाम की महिला के रूप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये जो मैसेजेस थे उसमें कुछ जो थ्रेटनिंग मैसेजेस जो इसमें आए थे उसमें जैसे एक ये भी था कि तेरे खून के प्यासे हैं, कोई ना आएगा, मतलब कोई आएगा, तो ये अलग अलग उस सेंस में और अलग अलग मैसेजेस जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस और कमेंट्स, ये जो पोस्ट हुआ था उसके बाद जो है उस पर अलग अलग कमेंट्स हुए थे। तीनों है वो मतलब कोई 19 साल के हैं, कोई 26 साल के हैं, तो इसी एज के हैं। और जो तीनों लोग हैं उसमें कोई पटाखे बेचने का काम करता है, कोई एक वेब डेवलपर है और एक जो लेडी है वो घर का काम करता है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों में एक वेब डिजाइनर है जबकि दूसरा पटाखे की दुकान चलाता है और महिला गृहिणी है। इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश है। उधर गुजरात से निकली इस आग ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले को अपनी चपेट में ले लिया। यहां भी नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट डालने पर एक नौजवान को जान से मारने की धमकी मिली है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीहोर के गणेश मंदिर इलाके में रहने वाले रोहित सालवी ने 11 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी,
इसके बाद कुछ लोग उसके घर पर उसके साथ मारपीट करने आए। उन लोगों ने पड़ोसी को रोहित समझकर उसे गाली और धमकी दी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि लुलु मॉल को लेकर कोई भी हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद अयोध्या के जगतगुरु परमहंस दास लखनऊ के लुलु मॉल पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो मॉल में शुद्धिकरण के लिए पहुंचे हैं। तो लखनऊ लुलु मॉल को लेकर अब विवाद और बढ़ गया। महंत परमहंस दास हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस ने उन्हें रोक लिया, हिरासत के लिए लिया, पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है। हिरासत में लिए जाने के दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई है। वो आए थे मॉल में ये कहते हुए कि वो इस मॉल का शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं। तो पुलिस ने महंत को हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई है। थोड़ी देर के लिए हल्की झड़प भी हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया। पुलिस वालों से उनकी कहा सुनी हुई, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के लुलु मॉल के बाहर पहुंचे थे महंत परमहंस दास, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वो आए थे कि वहां नमाज पढ़ी गई है, इसलिए मॉल का शुद्धिकरण करना जरूरी हो गया है, तो शुद्धिकरण के लिए आए थे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि लुलु मॉल को लेकर हम कोई भी हंगामा बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, लुलु मॉल जो है यह अपवित्र हो गया है। लुलु मॉल में जिस तरह से यहाँ अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के हम आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है, इसका जो है वेद मंत्रों से शुद्धिकरण करेंगे। जी भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अगर ऐसा पहले न किया गया होता तो स्थिति न पैदा होती। तो इसलिए लुलु मॉल में यहाँ वेद मंत्र पढ़ के हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, और आप लोगों के सामने एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। आज हनुमान जी का दिन है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वसत्व संहराय सर्वरोगराय सर्वसीकरणाय ओम पवित्रीकरणाय हनुमते। क्या बात है, अरे बात क्या है, चलो क्या बात है, अरे हम क्या हनुमान, बात क्या है बताओ, नहीं ताला लगाना चाहते हो, क्या बात है बताओ, नहीं हम कुछ कर रहे हैं, क्या हल्ला क्यों कर रहे हैं बताओ, सबको मना करो, किससे बात कर रहे हो, क्या नहीं हम भगवा पहने इसलिए रोक रहे हो, क्या क्यों रोक रहे हो बताओ, मारे हम भगवा पहने हैं इसलिए तुम लोगों को आपत्ति है क्या, हम भीड़ लेकर के आए हैं, मारे हम कहाँ चले बताओ, कहाँ दो मिनट इधर बैठे क्यों बैठे, लेकिन देखा यह जा रहा है कि जो लोग यहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे उनको ये लोग जाने देंगे चुप्पे से, और हम जा रहे हैं शांति से, मैं अकेले आया हूँ, मैं सिंगल आया हूँ, इनको क्या आपत्ति है, या तो आप ताला लगा दो, यहाँ कोई नहीं जाए, अगर ये जिहाद का केंद्र है, अगर आतंकवाद का केंद्र है, तो मत जाने दो किसी को। लखनऊ में लुलु मॉल को हिंदू मुस्लिम विवाद का अखाड़ा बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि माहौल बिगाड़ने वाली किसी भी शरारत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर हिंदू संगठन भी हैं जो मॉल में नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे हिंदू संगठनों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। लखनऊ प्रशासन को कहा है कि इन सभी लोगों से सख्ती से निपटो। चेतावनी नंबर एक, लखनऊ प्रशासन को हिदायत। प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए, इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। चेतावनी नंबर दो, शरारती तत्वों पर सख्ती। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। चेतावनी नंबर तीन, ट्रैफिक रोका तो खैर नहीं। अगर किसी को सूचना लेनी है, वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चेतावनी नंबर चार, सख्त रुख अपनाए प्रशासन। और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। चेतावनी नंबर पाँच, माहौल बिगाड़ने वाले सावधान। लखनऊ के प्रशासन से कहा गया, सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है।
लुलू मॉल में नमाज पढ़े जाने के वायरल वीडियो और उसके बाद कभी हनुमान चालीसा पाठ तो कभी सुंदर कांड का पाठ करने के नाम पर जो बवाल मचा, उस पर पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त बयान दिया है। लखनऊ प्रशासन को जहां सख्ती बरतने की हिदायत दी है, वहीं नाम लिए बिना हिंदुवादी तत्वों को भी धरना प्रदर्शन के नाम पर सड़क को बाधित करने के खिलाफ चेतावनी दी है। सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नमाज पढ़े जाने और उसके बाद कभी हनुमान चालीसा पाठ तो कभी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा जन सुनवाई के लिए IGRS पोर्टल और CM हेल्पलाइन को लेकर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने लुलू मॉल में नमाज पढ़े जाने को लेकर लखनऊ प्रशासन के अलावा उन तत्वों को भी आगाह किया कि वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। मुख्यमंत्री योगी की नाराजगी सिर्फ एक पक्ष से नहीं है, उनका इशारा साफ है कि नमाज पढ़ने वालों को माफ नहीं किया जाएगा तो इसके नाम पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल लखनऊ में लुलू मॉल खुलने के 4 दिन बाद ही धार्मिक विवाद खड़ा हो गया। मॉल में 9 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दिए। वीडियो देखकर हिंदू संगठन भड़क उठे और लुलू मॉल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मॉल को मस्जिद और लव जिहाद का अड्डा बताकर उसे बंद करने की मांग शुरू कर दी। धमकी दे दी कि अगर मॉल में नमाज पढ़ी जाएगी तो सुंदरकांड का पाठ भी होगा। 14 जुलाई को नमाज का वीडियो आया तो 16 जुलाई को 2 लड़कों ने हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो जारी कर दिया। लखनऊ में कानून व्यवस्था का तमाशा बन गया जो CM योगी को हरगिज बर्दाश्त नहीं था, खासतौर पर जब विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इसे BJP की साजिश बताया तो योगी आदित्यनाथ से रहा नहीं गया। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए और इसको किसी भी प्रकार के साफ है कि योगी आदित्यनाथ माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। वहीं लखनऊ पुलिस ने इस मामले में पहले ही FIR दर्ज कर ली है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसका दावा है कि पूरी साजिश का पर्दाफाश जल्द ही कर दिया जाएगा। लखनऊ में संतोष कुमार और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से बिल्कुल साफ है कि लखनऊ के लुलू मॉल में जिसने भी शरारत की उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वही 4 लोग हैं जिन्होंने 14 जुलाई को लुलू मॉल में नमाज पढ़ी थी। ये सभी लखनऊ के रहने वाले हैं। ये मोहम्मद नोमान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान और मोहम्मद आतिफ खान हैं। इस पूरी शरारत का पर्दाफाश अब प्रशासन जल्द ही कर देगा। दस जुलाई को CM योगी ने लुलू मॉल का उद्घाटन किया और महज 4 रोज बाद ये मॉल विवादों में घिर गया। वजह बना 14 जुलाई का ये वीडियो
जिसमें लखनऊ में खुले सबसे बड़े मॉल में 9 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने वायरल वीडियो पर मचे बवाल के बाद मॉल के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, सिक्योरिटी गार्ड और प्रबंधन के लोगों से पूछताछ की, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और अब ऐसी ऐसी जानकारी सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है। पहले खुलासा ये हो रहा है कि नमाज पढ़ने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना था। इसका आधार मॉल के सीसीटीवी फुटेज है जिनमें ये लोग मॉल में दाखिल होते दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी ना तो किसी शोरूम में जाता है ना ही कहीं से कुछ खरीदता है। ऐसा लगता है कि ये सभी बहुत जल्दबाजी में थे। सभी ने नमाज पढ़ने के लिए जगह की तलाश की। पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका तो वो दूसरी मंजिल पर चले गए। उनमें से 6 लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए जबकि 2 उसका वीडियो बना रहे थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने महज 18 सेकंड में नमाज पूरी की और फिर वीडियो बनाने के बाद वहां से चलते बने। इस वीडियो को देखने के बाद 2 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या सिर्फ 18 सेकंड में नमाज पढ़ी जा सकती है? जवाब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान निजामी से सुनिए, जिनके मुताबिक एक वक्त की नमाज में कम से कम 7 से 8 मिनट का वक्त लगता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस का जो बयान आ रहा है या जो सीसीटीवी फुटेज हैं, सीसीटीवी की फुटेज हैं, उनके आधार पर ये बात कही जा रही है कि वो नमाज 18 सेकंड में पढ़ ली गई और नमाज पढ़ने वाले मॉल में दाखिल हुए, उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर सीधे बाहर चले गए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि लूलू मॉल को जिस तरीके से एक मुसलमान शख्स के साथ उसका ताल्लुक है और यूसुफ अली साहब जो उसके ज़िम्मेदार हैं उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया गया है। और सूबह उत्तर प्रदेश में नहीं, नमाज अदा करने का तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। 18 सेकंड में जिस तरीके से नमाज अदा की गई वो कौन सी नमाज है? ये किसी भी सूरत में शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकती है। डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन यकीनी तौर पर अगर क़िबला रुख होगा तभी नमाज अदा की जाएगी और अगर क़िबला रुख होकर इमाम खड़ा होगा तभी उसकी क़ियादत में नमाज अदा की जा सकती है। अगर क़िबला रुख नहीं है इमाम और डायरेक्शन क़िबला रुख इमाम का नहीं है तो जाहिर है कि किसी की भी नमाज अदा नहीं होगी। और जहां तक देखने को में मिल रहा है कि इस तरीके की नमाज एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत अदा की गई। अब दूसरा सवाल भी उतना ही गंभीर है, क्या नमाज पढ़ने की दिशा सही थी? तो वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उसके मुताबिक नमाज पढ़ने की दिशा सही नहीं थी। भारत में नमाज हमेशा पश्चिम की तरफ मुंह करके ही पढ़ी जाती है, लेकिन जो नमाज पढ़ाने वाला इमाम है उसकी दिशा गलत है। नमाज पढ़ने वाला क़िबला रुख होकर नमाज पढ़े। क़िबला यानी मक्का मुकर्रमा, जहां पूरे दुनिया के मुसलमान जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त है। हिंदुस्तान में रहने वाला जाहिर है कि पश्चिम के रुख होकर नमाज अदा करेगा, चूँकि उसका डायरेक्शन है वो क़िबले की तरफ, तभी हो पाएगा जब वो पश्चिम के रुख होकर अदा करे। इसलिए अगर इससे हटकर कहीं कोई नमाज अदा करता है या उसकी दिशा के अलावा कोई नमाज अदा करता है तो यकीनी तौर पर वो नमाज नहीं होगी और कहीं ना कहीं वो नमाज एक तरीके से कमिलमी की बुनियाद पर और जहालत की बुनियाद पर पढ़ी जाएगी। अब सवाल उठता है कि इनका इरादा क्या था? पुलिस का दावा है कि लूलू मॉल में नमाज अदा करने वाले युवकों में से 4 की पहचान हो चुकी है। इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए 4 युवक मुस्लिम हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मॉल में नमाज पढ़ने की सारी गुत्थी सुलझा ली जाएगी। अब लूलू मॉल को लेकर जिस तरीके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, षड्यंत्र की कड़ियां खुलने लगी हैं। माना है जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है जिसको लेकर लखनऊ पुलिस इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्रैक करने जा रही है। फिलहाल कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। इनमें से एक ये है कि नमाज पढ़ने वालों का मकसद सांप्रदायिक माहौल को खराब करना था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना से यूपी में निवेश के माहौल को खराब करने की साजिश थी। जाहिर है इस पूरे विवाद में योगी सरकार के बाद सबसे ज्यादा दबाव लूलू मॉल के प्रबंधन पर ही पड़ा, जिसे अपने कर्मचारियों के धर्म से जुड़े दस्तावेज तक दिखाने पड़े। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, नूपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तान से आया घुसपैठिया।
और बीएसएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के श्री गंगानगर में घुसपैठिए की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में घुसपैठिए ने खुद कहा कि वो नूपुर शर्मा को मारने आया था। पाकिस्तानी घुसपैठिए के पास से चाकू बरामद हुआ है, धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई, कुछ कपड़े मिले हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो घुसपैठिया है। शरद कुमार हमारे संवाददाता के पास आपको लीजिए होते हैं। शरद, कौन है ये, क्या क्या जानकारी मिल पाई है, कैसे इसे पकड़ा गया, कितना बड़ा खुलासा हुआ है ये? संवाददाता शरद से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जिस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आया है और श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने इसे गिरफ्तार किया है, इसे पकड़ा है। और गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि वो बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा को मारने आया था और मारने के लिए वो अपने साथ चाकू भी लाया है, कुछ इस धार्मिक पुस्तकें भी इसके साथ हैं। और इसने खुद इस बात की ये कही है कि वो यहाँ क्यों आया। जब इसे उद्देश्य पूछा गया कि भारत में क्या कर रहे हो, बॉर्डर क्यों पार की, क्यों हमारे देश में आए हो, तो इसने कहा कि मैं नूपुर शर्मा को मारने के लिए आया था, मुझे नूपुर शर्मा को मारने के लिए भेजा गया है, चाकू बरामद हुआ है, धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई हैं। ये एक बड़ा खुलासा है और ये व्यक्ति खुद अगर इस तरह की बात करता है कि मैं नूपुर शर्मा को मारने के लिए यहां पर आया था तो ये गंभीर खुलासा है। हालांकि बीएसएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है, बीएसएफ के कब्जे में ये व्यक्ति है, पाकिस्तानी घुसपैठिया है जो नूपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तान से हमारे देश में आया था, फिलहाल इसे पकड़ लिया गया है। सीधे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास आपको लिए चलते हैं। अरविंद, क्या और जानकारी मिल पाई है, कौन वो साजिश करता है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिन्होंने इसे भेजा था? जी देखिए, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान से ये जो शख्स है रिजवान अशरफ वो भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। जब इसे राजस्थान बॉर्डर पर जो बीएसएफ की टीम है उसने इंटरसेप्ट किया, इसके पास से 11 इंच का चाकू, कुछ रिलीजियस बुक जो धार्मिक किताबें हैं वो, इसके कपड़े और कुछ जो खाने का सामान है जो बैकअप टीम बैकअप के लिए इसने रखा था वो रिकवर हुआ। इससे फिलहाल ज्वाइंट इंटरोगेशन कर रही है बीएसएफ, राजस्थान पुलिस, आईबी और रॉ की टीमें इससे लगातार ज्वाइंट इंटरोगेशन करी है। जो हमें शुरुआती जांच हुई है उसमें जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है सहित, उसके मुताबिक ये शख्स अरविंद, आपको रोकना पड़ेगा, समय थोड़ा सा कम है। बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बीएसएफ ने श्रीगंगानगर से एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है और जिसने खुद ये कहा कि वो नूपुर शर्मा को मारने के लिए आया था। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।